लोग को थोड़े पेड़ा समझता है लो। दा तो नुआर गरम मजी हो सहन ये गोहाल है और गोहाल में ही यही गोइठा रखा गया है गोबर के उपले, और एक तरफ यहाँ खूंटा गाड़ा गया है, इससे उसमें रस्सी बांधा गया है, उसमें बैल को बांधा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार में आया हूँ, और यहाँ पर अपना बहन लोग है, भतीजी लोग है, और वो भैया है वहाँ जो बना रहे हैं, तो उसी के फैमिली में आया हूँ, और उसके साथ मतलब मैं भी खाना चाहता हूँ साथ में। तो देखिए कैसे हम लोग खाएंगे। और घर टूट गया है, इस तरह से धस गया है, और लेकिन फिर भी ये भतीजी जो है ये घर साफ करने में लगी है, साफ सुथरा कर रही है। और जब तक हमारा सोहराय पर्व आएगा तब तक यहाँ देखिएगा, इधर भी पूरा चकाचक हो जाएगा, इधर भी पूरा साफ करेगी, घर जैसे भी है लेकिन साफ करके रख देगी और सुंदर दिखाएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा इसमें भी मिट्टी का लेप लग जाएगा तो अच्छा दिखेगा, और जो भी वैसे दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है, वहाँ पर भी मिट्टी का लेप लग जाएगा,
यहाँ जमीन में भी, फर्श में भी मिट्टी का लेप लग जाएगा। इधर जो पत्थर देख रहे हैं पूरा लग जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। टूटा फूटा घर ही है लेकिन फिर भी अच्छा दिखेगा। अभी बारिश में सब धस गया है और चूंकि मिट्टी का फर्श है इसीलिए खराब हो गया है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई भी मीट उसी तरह अगर बनाइएगा तो गोलकी और जीरा में से जीरा ही ज़्यादा लगाइएगा, इसमें स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। इस प्रकार अभी लहसुन, मिर्चाई, जीरा, गोलकी को पीस रहे हैं। गरम मसाला है, इसको भी पीसेंगे। मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल। ऑनियन, प्याज, चिकन, देसी मुर्गी मांस, साल्ट, नमक, वहाँ होएगा। जब तक वहाँ हुआ तब तक थोड़े घंटे इस वहाँ ऐसे में 2 घंटा और घंटा और घंटा और बात है तो गार्लिक चिली ब्लैक पेपर क्यूमिन पेस्ट जलम लगा टर्मरिक पाउडर हल्दी वाटर पानी तेज पत्ता
उतारने से पहले गरम मसाला लगाए, लेकिन वीडियो नहीं ले सके। तो दोस्तों, हम लोग बना चुके हैं, चिकन बना चुके हैं और यहाँ हम लोग खा रहे हैं, हम साथ में खा रहे हैं। यहाँ पर कैमरा पकड़ने वाला मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए खाएंगे हम लोग, मेरा भी ये है और यह घर के अंदर है इसलिए अंधेरा है। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग का गरीब फैमिली है, गरीब परिवार है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि अपना परिवार का स्टैंडर्ड को बढ़ाने का। और यहाँ पर ये भैया है, भतीजी है, यही सब रहते हैं आराम से। मतलब कुछ भी, मतलब गरीबी है लेकिन फिर भी सुखी जिंदगी जीने का कोशिश करते हैं अपने ही छोटा सा परिवार में, और कम संसाधन में भी खुशी से रहने का कोशिश करते हैं। कटी और